देखिए दोस्तों, नर्मदा वासी कहाँ पे अंगुल कर रहे हैं, अंगुल नहीं सॉरी नहा रहे हैं। मराठी आ रही है बीच में। और पानी ठंडा ही है, आप सोच रहे होंगे गर्म है लेकिन ठंडा ही है। नर्मदा मैया का पानी गर्म होता है लेकिन ये बहुत ठंडा पानी है। और इतना मजा नहाने का परिक्रमा वासी ही ले सकता है, और कोई नहीं ले सकता है ना। देखिए अब मैं भी नहाने वाला हूँ। हाँ आंगुड़ झाली है। अब मैं भी यहाँ पे नहाने वाला हूँ तो थोड़ी देर में। पूजा चल रही है अभी यहाँ पे, झरकन नदी में हम पूजा कर रहे हैं। मेरी हो गई है, ये मेरी होनी बाकी है। सूरज भगवान चमक रहे हैं। झरकन नदी के किनारे रूल सिंह जी यहाँ पे चाय की सेवा कर रहे हैं, और एमपी बॉर्डर है ये। ये रूल सिंह जी की छोटी सी कुटिया, उसमें संतों की सेवा करते हुए रूल सिंह जी। नहीं घर ऊपर है अपना, ये खेती के लिए, खेती के लिए। अच्छा। ये झरकन नदी सामने, तो यहाँ से पानी आता होगा ना इधर तक? पानी आते आ जाता है। हाँ हाँ, दगड़ा नहीं दिखता तीस पर्यंत येत असेल ना। ये झरकन नदी है दोस्तों, बहुत सुंदर व्यू। देखिए बहुत सारे पोर्टर्स एंड परिक्रमावासी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हुए। मैया सब करा रही है, हम कुछ नहीं कर रहे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोस्तों परिक्रमा इतनी आसान भी नहीं है और इतनी मुश्किल भी नहीं है। मैया साथ हो तो आसान है बिल्कुल। नर्मदे
नर्मदे यार, नर्मदे यार। वहां पे छोटा सा वाटरफॉल हो गया है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आराम से, आराम से, बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है किसी को। अब हम दूसरे पहाड़ में पहुंच गए हैं। देखिए रास्ता कैसे कैसे जा रहा है पत्थरों से। झारखंड नदी बहुत बड़ी नदी है, वो हमको बहुत बार उसका सामना करना पड़ा है, उसको क्रॉस करके जाना है। अब हमें ये अपनी जवान लोग पुड़ गिर ही मुक्का है। सगळे येते त्यांना पण त्यांना ही वारी चालणार इथे चालण्याचा ट्रिमेंडस फरक जाणवत असते। पण चालण्याची शेतातल्या कष्टाची सवय आहे ना, असं नाही मला म्हणायचं, मी वेगळं म्हणते। हां ते रोड रोड नाही, पण रोड रोड नाही ते पटापट आणखी झारखंड नदी क्रॉस कर रहे हम। झारखंड नदी क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों, नर्मदे हर। अब यहाँ पे पानी आ गया है, देखिए। तो मैं मोबाइल बंद कर लेता हूँ, नहीं तो गिर जाऊँगा तो मोबाइल भी जाएगा। देखिए परिक्रमावासी यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं झारखंड नदी। देखिए बाबा जी नहा रहे हैं। दोस्तों ये रास्ता बहुत टेढ़ा है, बहुत धीरे जाना पड़ता है यहाँ से। देखिए कितना टेढ़ा है ये। नर्मदे हर। ये ढाबरी आ गई, भाबरी। यहां से बहुत धीरे जाना पड़ेगा। आप देख रहे शूलपानेश्वर की झाड़ियां और पर्वत, शूलपानेश्वर क्षेत्र, नर्मदा मैया का हृदय शूलपानी। यहाँ एक छोटा सा झरना, छोटा पोर्टर है।
ये हरा भरा है पानी की वजह से। यहाँ क्या कुआं है? अरे वाह, यहाँ पे एक कुआं है और ये नेचुरल बना है ऐसे लग रहा है, यहीं से पानी बाहर निकल रहा है। शूल पानी चढ़ रहे हैं हम, शूल पानी। यार बदे यार दोस्तों, देखिए व्यू, ये सबसे ऊपर है हम, शूल पानेश्वर। ये बच्ची सेवा कर रही है पानी देने के लिए। अब हम बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर, सबसे ऊपर आएंगे। अब यहाँ यहाँ से रास्ता जा रहा है धीरे धीरे। अब हम नीचे उतरने वाले हैं ढाबरी की तरफ, फिर आगे खप्पर माल भी दिखाएंगे आपको, कैसे चढ़ेंगे क्या नहीं है। ये नज़ारे सिर्फ शूल पानी में ही देखने को मिलेंगे। ऐसे और भी है, मैं हिमाचल से होने की वजह से हिमाचल में भी है, लेकिन इस चीज़ का आनंद थोड़ा इधर है। नर्मदे हर। कहाँ से रास्ता जा रहा है देखिए, नर्मदे हर। देखिए रास्ता कहाँ से जा रहा है। ऐसे पहाड़ हिमाचल में भी है, लेकिन वो हरे भरे है, वहाँ सब हरा भरा रहता है, पेड़ पौधा सब है। ये डेजर्ट टाइप के पहाड़ है, मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा उगता नहीं है। अब हिमाचल में अलग फील आता है, यहाँ पे अलग फील आता है। यहाँ पे हम नर्मदा मैया के गोद में होने की वजह से अलग ही लगता है। वहाँ पे हम ट्रिप पे जाते हैं हिमाचल में, इस वजह से अलग ही है। लेकिन ये ट्रिप नहीं है, हाँ ये मन को शांति देने वाली यात्रा है। और ये वाह, इसको देख के तो मैं जो बोलना है वो भी भूल गया। जिंदगी में एक बार आप नर्मदा परिक्रमा पक्का करिए, रियल लाइफ आपको देखने को मिलेगी। कुछ अमीर है, कुछ गरीब है, कुछ भिखारी है, कुछ फकीर है, सब देखने को मिलेगा यहाँ पे। नर्मदे यार। अब उतार आया है, ढाबरी आने वाली है। देखिए यहाँ का दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़। दूर दूर तक पहाड़। नर्मदे हर। हा पुढचा तिकडून तिकडेच हो, आता परत कशाला यायचं? हा रस्ता पुढे लागणार वाटतो। देखिए बहुत खतरनाक रस्ता।
बहुत धीरे बहुत धीरे बहुत धीरे बहुत धीरे। इतना खतरनाक रास्ता है, मेरा तो हाथ पकड़ने के लिए कोई आता ही नहीं है।